भारत एक शुरू से सहिष्णु देश रहा है। हम जो भी यहाँ आते हैं, चाहे शरण लेने आए, चाहे यहाँ रुकने आए, चाहे यहाँ कुछ दिन रहने आए, हर एक समय, चाहे इंदिरा जी के समय हो, चाहे पूर्व में भी हो, भारत ने सबको शरण दिया है और हम लोग किसी को यहाँ से भगाए नहीं है। इसलिए मैं ये मेरा खुद का विचार है, हमारे यहाँ अगर कोई आता है, मेहमान बन के आता है, गरीब बन के आता है, तो हम लोगों को उनको रखना चाहिए, उनकी सुरक्षा करना चाहिए, ये हमारी प्राथमिक जवाबदारी है, ऐसा मैं मानता हूँ। 55 लाख मोबाइल बांटने का जो उन लोगों ने प्लान बनाया है, ये यहाँ के किसानों के प्रति, यहाँ के नौजवानों के प्रति अन्याय है और वो भी भ्रष्टाचार के लिए बनाया है। आप अमेजान या और जो भी मिलता है सामान वहाँ देखिए तो उसकी कीमत 4000 से ज़्यादा नहीं है, उसमें भी अधिक कीमत पे ख़रीदा, करोड़ों रुपए का उसमें भी नुकसान किया और वो भी भ्रष्टाचार के खाते में गया है। तो यहाँ चाहे टिफ़िन बांट रहे हों, चाहे यहाँ मोबाइल बांट रहे हों, वो एक जरिया खोजते हैं कि किस तरह से हम भ्रष्टाचार करें, किस तरह से इसमें कमाई हो और किस तरह से पार्टी को फ़ायदा हो। तो इसकी हम निंदा करते हैं, मोबाइल बांटने की निंदा नहीं करते, भ्रष्टाचार करके उसमें जो कमा रहे हैं उसकी हम निंदा करते हैं।